हेलो दोस्तों, हम अभी DBMS के बारे में करने वाले हैं। DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर डेटा को कैसे मैनिपुलेट मतलब चेंजेस मतलब स्टोर, जो भी जितने भी डेटा है वो हमें कैसे मैनेज करना है, वो हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सब्जेक्ट के अंदर हमें पता चलेगा। ठीक है, तो DBMS एक सब्जेक्ट है जिसकी मदद से आपको जितना भी डेटा ऑनलाइन होता है वो कैसे स्टोर करवाना होता है, उसको वापस चाहिए तो आपको कौन सी क्वेरी लगानी होती है, कौन सा डेटा चाहिए आपको, उसमें से भी कौन सा डेटा आपको फेच करके लाना है, तो वो सब उसके डेटा भी DBMS के अंदर आपको पढ़ना रहता है। जैसे कि आपके पास डुप्लीकेट डेटा आ गया तो डुप्लीकेट डेटा को कैसे रिमूव करना है ऑटोमेटिकली, वो हम नहीं करते, वो सिर्फ DBMS मैनेजमेंट सिस्टम करता है अपने आप से। तो उन लोगों ने एक सिस्टम बनाया है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो कि डेटाबेस के अंदर जैसे ही डेटा स्टोर करोगे तो वो अपने आप मैनेज करेगा डेटा को। इसलिए सब्जेक्ट का नाम रखा गया है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर हम अपने तरीके से कुछ नहीं कर सकते, जितना भी उन लोगों ने दिया है सिस्टम के अंदर उसी के अंदर हम ऐड कर सकते हैं बस, या चेंजेस करना हो तो हमें मैन्युअली करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सब्जेक्ट है जिसकी मदद से हम किसी भी प्रकार का डेटा स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि आप रजिस्टर करते हो तो रजिस्टर के अंदर आप क्या करते हो कि अपना फ़ोन नंबर, ईमेल, नेम, पासवर्ड वो सब डालते हो, तो ऑटोमेटिकली कहाँ पे स्टोर होता है? ठीक है, तो बैकएंड में एक सिस्टम चलती है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर हो जाता है। जैसे हज़ारों डेटा स्टोर है, जितने भी लोग रजिस्टर करेंगे एट अ टाइम तो वहाँ पे हज़ारों लोग अपना डेटा स्टोर करवा सकते हैं, मतलब रजिस्टर करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको उस सिस्टम के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो देखनी है, इसलिए। तो यहाँ पे बैकएंड पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सब्जेक्ट आता है। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या आता है, तो डेटाबेस एक्चुअली होता क्या है, तो उसके अंदर हम डीपली पढ़ेंगे अभी कि व्हाट इज़ डेटाबेस। ठीक है, तो डेटाबेस का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब DB मतलब डेटाबेस, MS मतलब मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेटाबेस का मतलब क्या होता है कि डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, मतलब जो किसी से रिलेट करता है, यानी किसी व्यक्ति से रिलेट करता है, किसी वस्तु से रिलेट करता है। समथिंग कोई व्यक्ति हो गया तो उसकी एक पर्सनैलिटी होगी और उसका एक नाम होगा। ठीक है, कोई थिंग होगी, कोई वस्तु होगी तो उसका भी कोई नेम होगा, उसका भी कोई आकार होगा, उसका भी कोई कलर होगा, उसकी भी कोई हाइट होगी, विड्थ होगी। ठीक है, तो वो सब क्या हो गया कि भाई डेटा कोई रिलेटेड डेटा, मतलब कोई पर्सन या कोई वस्तु, तो उन सब का कोई एक पर्टिकुलर डिफाइन करते हैं कि उसका यही नाम है, इसका इतना वजन है, इस वस्तु का ये नाम है, तो वो सब हो गया उसके रिलेटेड डेटा। जैसे मुझे वुमन के कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति का डेटा स्टोर करा है, तो उसके अंदर क्या क्या आएगा, उसका नेम आएगा, ईमेल आएगा, पासवर्ड आएगा, तो क्या हो गया उन सब का एक वन टाइप ऑफ कलेक्शन हो गया, डेटा हो गया रिलेटेड, उस व्यक्ति से रिलेटेड डेटा हो गया। तो डेटा मतलब क्या होगा कि डेटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स डेट कैन बी प्रोसीड टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो डेटा क्या कहता है कि यहाँ पे जितना भी डेटा आपने कलेक्ट किया है तो उसके फैक्ट्स मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, फिगर मतलब उसकी क्या हाइट है, वेट है, कितना वेट है, तो वो सब वो नक्की करेगा वहाँ पे। ठीक है, फिर जितना भी डेटा आया है तो उन सबको क्या करेगा, वो एक प्रोसीड मतलब वो प्रक्रिया चालू कर देगा और हमें एक इन्फॉर्मेशन बना के उसको डेटा के अंदर डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाएगा। यानी क्या हो गया कि जब भी हमें वो डेटा चाहिए तो हमें एट अ टाइम मिल जाएगा, हमें कहीं पे किसी भी व्यक्ति से पूछना नहीं जाना पड़ेगा भाई आपका क्या है, तो उनने जब उन लोगों ने जब डेटा डाला होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहेगी, हमें जब भी वो डेटा चाहिए तो हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब डेटा क्या हो गया वन टाइप ऑफ, मतलब डेटाबेस DBMS के अंदर डेटाबेस वन टाइप ऑफ रिलेटेड डेटा हो गया, और डेटा के अंदर क्या आता है उस व्यक्ति का फैक्ट्स मतलब वो क्या क्या करता है, और उसकी फिगर्स मतलब उसकी एक अलाइनमेंट होती है, वो
कितना वेट है, हाइट है, वो सब, और उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद उसको एक जगह पे स्टोर करता है। जो जहाँ पे वो स्टोर होता है उसे कहते हैं डेटाबेस। ठीक है, तो डेटाबेस का यूज़ क्या है, सिंपली मीनिंग समझिए तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टोर डेटा, मतलब एक डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, इन सच अ वे, पर्टिकुलर रीजन में, जैसे कि आपको देखना है उस डेटा को एक पर्टिकुलर वे में होना चाहिए। जहाँ पे हम कभी भी डेटा स्टोर करते हो तो कभी ऐसे नहीं करते, पहले नाम आता है, फिर दूसरे व्यक्ति का नाम आता है, तीसरे व्यक्ति का नाम आता है, ऐसे नेम नहीं आता, एक साथ अपने आप नेम आएगा, फिर नेम, ईमेल, पासवर्ड, वो सब। आगे हम इसको एक व्यू प्रेजेंटेशन में देखेंगे। ठीक है, अभी तो ये ओरली फर्स्ट लेक्चर है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ इसकी थियोरी भी पढ़नी है, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या कहता है कि एक पर्टिकुलर वे में डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, जैसे कि हमें उसे पढ़ने में इजी रहे, फिर हमें उसको कहीं से लाना है, वहाँ पे जहाँ पे पड़ा है वहीं से मुझे इतना ही डेटा चाहिए, तो उसे रिट्रीव बोलते हैं। रिट्रीव मतलब क्या है, वहाँ से लाना। फिर मैन्युपुलेट मतलब उसके अंदर चेंजेस करना है, समथिंग मेरा नाम है तो नाम, मुझे नाम मैंने डाला है तब जल्दी जल्दी में डाला था, नाम थोड़ा गलत हो गया है, गलत मतलब क्या है कि उसके स्पेलिंग मिस्टेक है, तो मुझे वो चेंज करनी है, तो उसी क्या बोलते हैं मैन्युपुलेट। और प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन, और जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितना भी डेटा आ रहा है वो क्या हो रहा है, एक जगह पे स्टोर हो रहा है पर्टिकुलर वे में, तो उस क्या बोलते हैं कि इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन, ये हो गया मतलब व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस क्या होता है, उसको मैनेजमेंट हमें नहीं करना होता, वो क्या करता है, सिस्टम हमें ऐसी बनाई है जिसकी मदद से वो अपने आप ही मैनेज करता है, इसलिए उसे एक सिस्टम बोला गया है। डेटाबेस क्या होता है वो हमें समझना होता है, यहाँ पे मैनेजमेंट है वो सब उसके अंदर है ही ऑलरेडी, वो हमें समझनी होती है भाई, वो किस तरह से काम कर रहा है और उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो वो होता है यहाँ पे। मतलब डेटाबेस के अंदर सारा डेटा रहेगा, उस डेटा को किस वे में हमें स्टोर करवाना है, और वो डेटा स्टोर हो रहा है तो क्यों हो रहा है भाई, डेटा हम देखेंगे तो हमें कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पे मिल जाएगा, इसलिए व्हाट इज डेटाबेस का मीनिंग यहाँ पे ये होता है कि किस तरह हम इसे यूज़ कर रहे हैं और आगे इसका क्या बेनिफिट्स है, हम इसे क्यों रखते हैं। ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है DBMS, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, मतलब रिकॉर्ड को वो रखता है कंप्यूटर है, मतलब कंप्यूटर उसे रखता है जो भी इंफॉर्मेशन है। पहले क्या होता है कि जब जो भी हम डेटा स्टोर करवाते हैं वो क्या होता है, एक जगह पे स्टोर करने के लिए हमें पहले बहुत सारा लिखना होता है, ये इंफॉर्मेशन है तो पूरा पेज हमारा कंप्लीट कर जाएगा उसके अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितना भी डेटा हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं तो क्या किसी भी कागज़ का यूज़ नहीं होता, ओनली बैकएंड में जाते हैं, डेटा होता है, डेटाबेस होता है, उसके अंदर वो सिंपली उस जगह पे पर्टिकुलर जगह पे ही स्टोर होता है, कहीं पे भी स्टोर नहीं होता। ठीक है, तो दो तरह के डेटा होते हैं यहाँ पे, एक स्कैटर डेटा होता है और एक मैनेजमेंट डेटा होता है। रिलेशनल डेटा होता है और DBMS होता है, दो तरह के डेटा होता है। रिलेशनल के अंदर क्या होता है, वो कहीं भी पड़ा होता है मेमोरी के अंदर, और DBMS के अंदर क्या होता है कि एक के बाद एक की लिंक के पेयर में ही होगा, एक के बाद एक ही होगा, यहाँ मतलब कहीं पर भी वो स्टोर नहीं होगा एक पर्टिकुलर वे में, भाई इतनी जगह है तो इतने में ही स्टोर करना है, इसके ज़्यादा जगह नहीं मिलेगी, तो एक पर्टिकुलर जगह होगी रिकॉर्ड की, कंप्यूटराइज मतलब कंप्यूटर अपने आप से उसको मैनेज करता है। ठीक है, और कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, तो मैं बैंकिंग सिस्टम में, बैंकिंग सिस्टम के अंदर हम पहले क्या करते हैं कि भाई हमारा अकाउंट हम ओपन करवाते हैं तो हम एक फॉर्म भर के देते हैं, उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे स्टोर होगी, पहले तो उसके डेटा बैंकिंग की डेटाबेस के अंदर जितनी भी समथिंग हमारे पास SBI है, HDFC है, तो उन सब का अलग अलग डेटा होगा, बैंक SBI का अलग डेटा होगा और HDFC का अलग डेटा होगा, ICICI का अलग डेटाबेस होगा, सबका अलग अलग रहता है। जो भी बैंक है वो अपने पर्टिकुलर अपनी तरीके से ही डेटाबेस बनाता है, उसके अंदर भी स्टोर होता है उनका ही डेटा, समथिंग इन सब के ऊपर भी एक मेन डेटाबेस हो तो समथिंग RBI होगी, तो RBI के पास इन सब का रिकॉर्ड रहेगा, क्योंकि वो एक्सेस कर सकते हैं, मतलब शेयर कर सकते हैं, एक समथिंग SBI वाले हैं उसके पास बहुत सारे डेटा पड़े हुए हैं, तो उनको क्या करना है कि ये डेटा मुझे किसी और को बताना है, दिखाना है। ठीक है, HDFC वालों को दिखाना है,
या फिर आरबीआई वालों को दिखाना है, सीएसई वालों को दिखाना है, तो वो एक वहाँ पे टास्क होगा जिसकी मदद से वो डेटा, पर्टिकुलर डेटा, सारा डेटा नहीं, जितना डेटा उसको दिखाना है उतना वो दिखा सकते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन आपके, आपने कितने विड्रॉवल किए हैं, कब किए हैं, वो टाइम पे सही वहाँ पे क्या रहता है कि डेटा स्टोर होता है बैंकिंग सिस्टम, जहाँ जहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड आते हैं, हज़ारों करोड़ों रिकॉर्ड स्टोर करने होते हैं, ऐसा यहाँ पे डेटाबेस ही यूज़ होता है। ठीक है, फिर एयरलाइंस, तो एयरलाइंस के अंदर हज़ारों व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उनका डेटाबेस स्टोर करना होता है, कब किया है, कब जाना है, तो उन सब की क्या होती है टिकट, वो सब सारा डेटा एयरलाइंस के अंदर उस यहाँ पर भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर भी एयरलाइंस के अंदर भी काम बहुत सारे डेटा हो गया आपके पास। यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी के अंदर हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हो गए, तो उसके अंदर भी डेटा हर एक का मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए डेटाबेस क्या करता है कि आपको प्रोवाइड करता है कि डेटा कहाँ पे कब और कितना स्टोर करना है। ठीक है, तो इसकी भी लिमिट होती है भाई, कितना स्टोर करवाना है, तो उस तरह का उस तरीके का आपको डेटाबेस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो से हो गया, तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी बहुत सारे हो गए और डिपार्टमेंट हो जाएंगे, जो कि स्टूडेंट आ जाएंगे, आर्ट्स स्टूडेंट, फिर आर्ट्स फैकल्टीज, फिर मैनेजर्स, फिर उसके बाद ऊपर HODs आएंगे और उसके ऊपर भी एक मेन CEO रहेगा। तो उन सब का एक हायरार्की फॉर्म में रहता है, जो हमें फॉर्म बनाना नहीं पड़ता, वो क्या होता है कि सिस्टम के अंदर ऑलरेडी है ही, उससे हमें मैनेज करना होता है। ठीक है, हमें कब कहाँ पे कौन सा डेटा ना, उस पर ही हमें फोकस करना होता है। उसके अंदर जो लॉजिक है भाई, CEO के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, वो हमें मैनेज नहीं करना होता, वो पर्टिकुलर अपने आप ही मैनेज कर लेता है। ठीक है, हमें तो सिर्फ डेटा डालना है इस तरीके से जैसे कि वो अपने आप मैनेज कर सके। ठीक है, फिर मैन्युफैक्चरर और सेलिंग, जितना भी आपने चीज़ बनाई है और उसकी कितनी सेलिंग हुई है, कब और किस कौन से महीने में कितनी चीज़ बनाई और कितनी चीज़ की सेलिंग की है, वो हमें एक पर्टिकुलर वे में मिल जाएगा। समथिंग एक दो साल चले गए, फिर हमें पता चले, फिर हमें देखना होगा कि दो साल पहले कितनी बिक्री हुई थी कौन सी चीज़ की, तो हमें वहाँ से पता फटाफट चल जाएगा। यानी ये कैसा रहता है कि मैनेजमेंट फॉर्म में रहता है, यानी कि हमें कभी भी कौन सी भी डिटेल चाहिए, किसी भी मंथ की चाहिए, तो भी हमें इजीली दे देता है। इसलिए डेटाबेस का मेन यूज होता है, जिसे हमें मैनेज करना नहीं होता, सिर्फ डेटा डालना होता है। फिर ह्यूमन रिसोर्स, हम जितनी भी रिसोर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ है, जो जितनी भी चीज़ होगी, जैसे चेयर हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, तो हमारे एक रिसोर्स हुई जिसकी मदद से हमें हमारा काम करने में आसानी रहती है। ठीक है, तो उसका भी डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं। कोई फर्नीचर वाला है तो आपको फर्नीचर उसके वहाँ पे आपको बेड मिलेगा, कबाट मिलेगा, जिससे हमारी चीज़ अच्छी और बेनिफिट्स मिलेगी। ठीक है, यानी हमें काम करने में आसानी रहेगी, हमें कोई भी चीज़ खुद से मैनेज नहीं करनी होती, हमें सिर्फ उस चीज़ को यूज़ करना है और उसके अंदर जो भी एरिया दिया है उसको यूज़ करना है। यानी हमें खुद से कुछ बनाना नहीं होता, एक बार बना दिया तो उसको यूज़ करते रहो तो रिसोर्स हो गया, उसको मैनेज कैसे करना है, ठीक है, वो भी हो गया। तो डेटा भी इस तरह से कंप्यूटराइज या किसी भी जगह पे आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए कहाँ कहाँ पे हम डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। बैंकिंग सिस्टम में जहाँ पे बहुत सारा रिकॉर्ड स्टोर होगा, एयरलाइंस के अंदर कौन सी व्यक्ति कब जा रही है, कौन सी टिकट उसने की है, कहाँ से कहाँ तक की ली है, तो सब। यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स हो गए, फैकल्टीज हो गए, HODs हो गए, CEO हो गए, तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और स्टूडेंट कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और किस सब्जेक्ट के अंदर उसने एडमिशन लिया है, तो वो सब उसके अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर स्टोर रहेगा। फिर मैन्युफैक्चर और सेलिंग, तो उसके अंदर कौन सी चीज़ उसने बनाई है, कब बेची है, कितनी बेची है, कितने प्राइस में बेची है, तो वो सब उसके पास रिकॉर्ड रहेगा। जैसे कि फ्लिपकार्ट से, तो उसके अंदर क्या रहता है कि कौन सी चीज़ कब कितना डिस्काउंट, कितने में बेची है इस पर्सन को, कितना रेडी मिला है, तो वो सब उसके अंदर डेटा स्टोर रहता है। यानी कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट, चेंजेस करना हो या देखना हो तो हम देख सकते हैं आसानी से, हमें कहीं पर ढूंढने नहीं जाना पड़ता। जैसे कि कागज़ होते हैं, गवर्नमेंट में अभी भी कागज़ चल रहे हैं, वहाँ पे हज़ारों रिकॉर्ड है, वो कभी भी आपको चाहिए तो एक रूम रहता है, उसके अंदर आपको ढूंढना, उसमें कितना भी टाइम चला जाता है, एक दिन दो दिन तीन दिन, यहाँ पे तो हमें 5 मिनट में जो चीज़ चाहिए वो लिखो वो ऑटोमेटिकली दे देता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वन टाइप ऑफ बेनिफिट्स हो गया, कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है बेनिफिट्स ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस को हम यूज़ कर कैसे कर सकते हैं। समथिंग एक फाइल है मेरे पास, ठीक है, तो वो एक ही रिकॉर्ड मुझे किसी और को देना है,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो उस कागज़ की कॉपी करवानी पड़ेगी, और पांच व्यक्ति को देनी हो तो फिर पांच कॉपी निकालने को, उसमें कागज़ भी वेस्ट कुछ चले गए, ठीक है, और हमें उस प्रोसेस करने में, कॉपी करने में और उसको वहाँ पे देने जाने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेनिफिट्स क्या है, समथिंग कोई रिकॉर्ड हमारे पास आते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक व्यक्ति आया, उसने हमारी इन्फॉर्मेशन कागज़ पे लिख दी, फिर वही व्यक्ति पाँच दिन के बाद आया तो हमने वापस उसकी इन्फॉर्मेशन ले ली, हमें तो क्या हो गया कि एक ही रिकॉर्ड हमारे पास दो बार है, ठीक है, तो क्या हो गया, रिडंडेंट हो गया, एक ही रिकॉर्ड बार बार आता है तो उसे रिडंडेंट कहते हैं। तो डेटाबेस के अंदर बेनिफिट क्या है कि सिस्टम अपने आप से चेक करता है कि ये रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस के पास है कि नहीं, जो होगा तो आपको पहले से ही डेटा बता देगा क्योंकि यू हैव ऑलरेडी रिकॉर्ड एक्सिस्ट, मतलब आपका रिकॉर्ड पहले से ही हमारे पास है, आपको फिर से डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो कभी कभी आप देख सकते हो कि कभी भी फ्लिपकार्ट से है या फिर कोई भी अकाउंट आपको ओपन कर रहे हो तो आपने एक बार रजिस्टर करवा दिया तो अभी सब रजिस्टर करोगे तो आपको वही इन्फॉर्मेशन उसके पास है, वो चेक करके अपने आप देता है कि भाई आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो आप सिर्फ लॉगिन करो, रजिस्टर करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करता है कि सिस्टम अपने आप से डेटा रिडंडेंट करता है, रिडंडेंट मतलब क्या होता है कि डुप्लीकेट डेटा आता है तो उसे अपने आप ही चेक करता है कि आपका डेटा हमारे, आपको कोई दूसरा अकाउंट बनाए तो नई इन्फॉर्मेशन डालिए इसमें, ठीक है, तो हमें वहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, हमारा पुराना जो अकाउंट है उसकी वजह से वो हमें रजिस्टर करने नहीं दे रहा है तो हमें दूसरा अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बेनिफिट मतलब रिड्यूस डेटा, डुप्लीकेट डेटा को रिमूव कर देगा, पहली चीज़ रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, ठीक है। तो डेटा डुप्लीकेट कभी भी यहाँ पे होने नहीं देगा, मतलब एक बेनिफिट हो गया उसका मतलब। फिर है सेकंड है शेयरिंग ऑफ डेटा, अभी मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर है वो हमें शेयर करनी है, समथिंग मुझे मेरे अंदर में जितने भी 200-300 लोग आते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं उसको मुझे भेजनी है, तो मैं क्या करूँगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन है मेरे पास वो हम एक साथ किसी भी उसका अकाउंट होगा, जीमेल होगा, तो जितने भी जीमेल अकाउंट के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन में एक बार लिखूंगा, इंपोर्ट करूंगा और सबको भेज दूंगा, ठीक है। तो क्या होता है कि डेटा को आप शेयरिंग भी कर सकते हैं, कितना डेटा शेयर करना है वो हमारे पे डिपेंड करता है, हमारे पे डिपेंड करता है कितना डेटा उसे शेयर करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो गया, डेटा शेयरिंग, डेटा हम शेयर भी विद इन 2 सेकंड के अंदर हमारा कितना भी डेटा होगा वो हम शेयर कर सकते हैं, कागज़ की तरह नहीं है कि हमें इतना डेटा शेयर करवाना है, 5 रिकॉर्ड कॉपी करवाओ उसको भेजो, उसमें टाइम कितना लगता है, यहाँ पे विद इन 5 मिनट्स के अंदर कितना भी डेटा आपको शेयर करवाना है वो आपको पॉसिबल है यहाँ पे शेयरिंग करना। फिर डेटा इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब क्या है कि कोई रिकॉर्ड हमारे पास है तो उसको कोई अलग डेटाबेस के अंदर शेयर करवाना है, उसको कोई अलग डेटाबेस के अंदर मुझे डालना है तो मेरे पास उस डेटाबेस का एक्सेस रहेगा तो मैं एक साथ सबका डेटा लूँगा और उस डेटाबेस के अंदर ट्रांसफर करूँगा। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जैसे कि मेरा नाम है तो नाम के आधार कोई समथिंग, मेरा नाम मुकेश है तो मुकेश बार बार आता रहेगा तो उससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके अंदर क्या होता है कि एक वन टाइप ऑफ एक यूनिक आईडी रहती है जिसकी मदद से आपको क्या करना होता है कि वो डेटा आपको यूनिक तरीके से दे, जैसे ही आप कोई रजिस्टर नया अकाउंट खोलते हो तो उसके अंदर क्या रहता है कि आप मोबाइल नंबर बार बार डालते रहते हैं, या मोबाइल नंबर से लॉगिन करो या ईमेल आईडी से लॉगिन करो, दो तरीके का वो आपको ऑप्शन देता है, यानी कि ईमेल और फ़ोन नंबर आपको डालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ईमेल और फोन नंबर वो दोनों क्या हो गई, सारे रिकॉर्ड के लिए एक यूनिक नंबर हो गई, मतलब फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दोबारा इस डेटाबेस के अंदर होना नहीं चाहिए, अगर आप डालते हो किसी और का तो आपको क्या बताएगा, आप ऑलरेडी आपका अकाउंट एग्जिस्ट है, आप सिर्फ लॉगिन करो, ठीक है। तो उसके अंदर आपको डेटा इंटीग्रिटी मतलब डेटा को एक साथ कैसे कॉम्प्लेक्स करते हैं और उसको कैसे अलग अलग डालते हैं तो वो भी आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। फिर आता है डेटा सिक्योरिटी, जैसे ही आप अकाउंट ओपन करते हो तो आप
आपका खुद का अकाउंट के अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन हो उतनी ही आपको दिखाई देगी, किसी और की इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी नहीं। मतलब मैं डेटा जितना भी डेटा सिक्योर है वही आपको अपने अपने अकाउंट में ही दिखाई देगा। किसी और का देखना है तो वहाँ पे अगर किसी ने परमिशन दी हुई है कि भाई दूसरे का अकाउंट भी आप थोड़ा जितना उसके अंदर जितना डेटा है वो आप देख सकते हो। जैसे फेसबुक के अंदर आपके फ्रेंड्स में आपका फ्रेंड्स बने होंगे तो फ्रेंड्स के जैसे ही क्लिक करोगे उस फ्रेंड का तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी, उसका ईमेल आईडी, नेम, फोन नंबर, उसका फ़ोटो, उसके कितने लाइक्स, उसके कितने कितनी पोस्ट किए। तो वो सब क्या हो गया कि उस जब आप वो उसके फ्रेंड बनोगे तभी आपको दिखाई देगा, उससे पहले कभी दिखाई देगा नहीं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वन टाइप ऑफ एक डेटा सिक्योरिटी हो गई। डेटा कितना दिखाना है और कितना शो करवाना है, पर कब, जब फ्रेंड बनेंगे तब, उससे पहले आप उसकी इन्फॉर्मेशन देख नहीं सकते। अगर उसने प्राइवेट किया होगा तो आपको नहीं दिखाई देगा कुछ भी इन्फॉर्मेशन, फ्रेंड नहीं बने होंगे तो। अगर फ्रेंड बने हो तो प्राइवेट हो गए तो भी लिमिटेड डेटा ही आपको दिखाई देगा। तो क्या हो गया, वन टाइप ऑफ डेटा सिक्योरिटी हो गई। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी डेटा बेस के अंदर से डायरेक्ट डेटा ले नहीं सकता, अगर उसको परमिशन है तो ही वो डेटा को एक्सेस कर सकता है, मतलब यूज़ कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। मतलब ये क्या होगी, वन टाइप ऑफ डेटा सिक्योरिटी। फिर प्राइवेसी, प्राइवेसी मतलब क्या कि आप अपना रिकॉर्ड ही देख सकते हो, किसी और का रिकॉर्ड या डेटा वो आप देख नहीं सकते। ठीक है, तो क्या होगी, वन टाइप ऑफ प्राइवेसी। मतलब आप किसी भी तरीके का डेटा आपको चाहिए तो आपको नहीं मिलेगा, आपको को आप जब लॉग इन करोगे तो आपको खुद का डेटा ही मिलेगा, किसी और का मिलेगा नहीं। फिर बैकअप और रिकवरी, तो जितना भी समथिंग मेरे पास हजारों रिकॉर्ड पड़ा हुआ है तो उन सारे रिकॉर्ड को एक साथ मुझे यूज़ करना है, यानी बैकअप लेना है। कभी भी आपका रिकॉर्ड है क्या होता है कि डिलीट हो सकता है, तो आपको क्या होता है कि आपके पास जितने भी पुराने रिकॉर्ड पड़े हुए हैं उनको क्या करना होता है, बैकअप के रूप में एक जगह पे स्टोर करना होता है। यानी आपका डेटा कभी भी परमानेंटली डिलीट हो गया है तो आपको कभी भी उसको यूज़ करना है वापस, तो अभी आप बैकअप के तरीके से पड़ा हुआ है तो उसे यूज़ कर सकते हैं। जो डेटा डिजिटल होगा उसका ही आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बैकअप क्या होता है कि वन टाइप ऑफ एक आपके डेटाबेस के अंदर ही वन टाइप ऑफ एक जगह रोकता है और उसके अंदर ही एक मिनी बैकअप रोकता है। मतलब छोटी सी जगह पे जितना भी आपका मेन डेटाबेस है उसका डेटा स्टोर करके एक जगह पे लिंक प्रोवाइड करता है। वो कभी भी सारा रिकॉर्ड स्टोर नहीं करता, वो बीच बीच में जितना भी रिकॉर्ड है उसको स्टोर करता है। मतलब 80% आपका बैकअप हो जाएगा, फिर 20% कौन सा डेटा नहीं आएगा वो नक्की नहीं करेगा, उसे वो फिक्स नहीं होता। बैकअप क्या होता है कि वन टाइप ऑफ आपके पास 1000 और 100 रिकॉर्ड पड़े हुए तो उसके अंदर से वो 80 या 90 ऐसे रिकॉर्ड उठाएगा जो आपकी कंप्लीट आ जाएगी, बाकी 20 या 10% है वो पूरे कभी भी स्टोर नहीं करता। यानी बैकअप के अंदर हमेशा स्मॉल फाइल बनेगी और जो ओरिजिनल डेटा है वो कैसा रहेगा, बहुत ही लार्ज रहेगा, बैकअप के रूप में आपके पास वह पड़ा रहेगा। वो कहाँ पे रहता है कि जहाँ पे आपने डेटा स्टोर रखा है उसी के अंदर वन टाइप ऑफ एक जगह ढूंढेगा और उसके अंदर ही वो डेटा स्टोर करता है। ठीक है, फिर रिकवरी क्या होता है कि भाई आपके पास बैकअप लिया हुआ है, ठीक है, आपके पास जो डेटाबेस पड़ा हुआ है डेटाबेस कहाँ पे स्टोर होगा, कोई हार्ड डिस्क उसके अंदर ही स्टोर होता है। तो डेटा को भी स्टोर करने के लिए वन टाइप ऑफ एक हार्ड डिस्क की ज़रूरत होती है। जो हमारे पीसी के अंदर हार्ड डिस्क रहती है वो वन टाइप ऑफ सिंगल पीस रहती है, उसे भी आप सर्वर बना सकते हो। ठीक है, और जो सर्वर होता है उसके अंदर क्या होता है कि हार्ड डिस्क ही रहती है जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी रहती है। तो हमारा जो CPU है उसके अंदर सब जगह पर हम हार्ड डिस्क रख देंगे। ठीक है, तो वन टाइप ऑफ डेटा बेस भी हम खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जो डेटा हमने स्टोर करवाया है उसको क्या कहते हैं कि रिकवरी भी करवा सकते हैं। रिकवरी मतलब कभी भी हमारा डेटा बैकअप हमने नहीं लिया, डेटाबेस का बैकअप लिया ही नहीं, सारा डेटा उड़ गया है, ठीक है, तो करप्ट हो गया है, तो उसकी रिकवरी मतलब एक सॉफ्टवेयर आता है, सॉफ्टवेयर की मदद से हम उसको रिकवर कर सकते हैं। पर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि डेटाबेस
तो डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी हमारे पास रिकवरी की सिस्टम रहती है, ऑलरेडी है उसके अंदर। हमें सिर्फ क्या करना है कि जो रिकवरी का सिस्टम है उसे सिर्फ ऑन करना है। जैसे ऑन करोगे जो जितना डेटा आपके पास वापस आ सकता है, ठीक है, वो आ जाएगा। रिकवरी कभी भी आप डेटा डिलीट करते हो तो परमानेंटली डेटा डिलीट नहीं होता, उसकी क्या होती है, सिर्फ लिंक डिलीट होती है। आपने कभी एंकल लिंक पढ़ी होगी तो उसके अंदर क्या होता है कि जहाँ पे आपको जाना है उसकी लिंक रहती है, तो वहाँ पर पेज तो वो है ही, वहाँ पे तो पड़ा हुआ ही है, पर आपको जाने के लिए क्या चाहिए, एक लिंक चाहिए। जैसे क्लिक करोगे तो पेज अपने आप ओपन हो जाएगा। तो ऐसे ही डेटाबेस के अंदर भी होता है, जितना भी डेटा आपने स्टोर करवाया है वो डेटा वहाँ पे तो है ही, पर उसके बीच में जो कनेक्शन है वो निकल जाता है, मतलब लिंक टूट जाती है। मतलब डेटा वहाँ पे है पर आप वहाँ पे पहुँच नहीं सकते, तो उसे क्या बोलते हैं, वन टाइप ऑफ एक रिकवरी सिस्टम बोलते हैं। मतलब डेटा को मुझे रिकवरी करना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज होता है जो हमारे डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी है, तो उसे हम जैसे ऑन करेंगे तो अपने आप जितना भी डेटा जहाँ पे स्टोर हुआ है उसकी लिंक बनती जाएगी। जैसे ही लिंक बनेगी तो क्या होगा कि हमें अपना जितना भी डेटा है वापस मिल जाएगा, मतलब वहाँ पे जहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है वहाँ वहीं पे तो है, ठीक है। तो रिकवरी सिस्टम मतलब बैकअप और रिकवरी की भी सिस्टम उसके अंदर अवेलेबल है। डेटा सिक्योरिटी है, डेटा कंसिस्टेंस मतलब पर्टिकुलर वे में स्टोर करता है, कहीं पर भी कुछ भी स्टोर नहीं करेगा, एक पर्टिकुलर मैंने बताया कि एक रो के अंदर एक रिकॉर्ड आएगा, दूसरे रो के अंदर दूसरा रिकॉर्ड आएगा, मतलब हमें क्या दिखेगा, एक टेबल के व्यू में दिखेगा वो पर्टिकुलर, जिससे हमें आसानी रहेगी पढ़ने में और देखने में दोनों। हमें किसी और को भेजना है तो कौन सा डेटा भेजना है तो वो भी हमें आसानी रहेगी, किसको भेजना है, किसको शेयरिंग करना है, ठीक है। तो वो सब डेटा कंसिस्टेंस मतलब डेटा को मैनेज करेगा यहाँ। तो बेनिफिट्स क्या होंगे DBMS के, डेटा डुप्लीकेट डेटा बार बार डालने नहीं देता, ठीक है। शेयरिंग, किसी को भी मुझे डेटा भेजना है तो मैं इजीली भेज सकता हूँ। डेटा इंटीग्रिटी मतलब कॉम्प्लेक्सिटी फॉर्म, डेटा को कॉम्प्लेक्स कभी नहीं होने देगा। फिर डेटा सिक्योरिटी बढ़ाएगा, जितना डेटा किसी और को भेजना है तो उस वही डेटा आपको भेजना होता है। डेटा सिक्योरिटी मतलब कौन सा डेटा आपको दिखाना है और किसी और का डेटा दिखाना है तो वहाँ पे डेटा सिक्योरिटी हो जाएगी, कि जितना डेटा आपको मिलना चाहिए उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा कभी नहीं मिलेगा। डेटा प्राइवेसी, प्राइवेसी मतलब जो भी आप अकाउंट लॉगिन करते हो किसी भी जगह पे, तो आपका जितना आपके अकाउंट के अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन है उतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, उससे ज़्यादा कभी मिलेगी नहीं। बैकअप एंड प्राइवेसी, बैकअप एंड रिकवरी, तो बैकअप के अंदर कभी भी आपका डेटा कभी भी कैसे भी करप्ट हो गया है, डिलीट हो गया, तो आपको उसका डेटा पड़ा है उसका बैकअप भी ले सकते हो, जो बैकअप पड़ा है उसके अंदर से आप रिकवर भी डेटा कर सकते हो, ठीक है। फिर डेटा डेटा कंसिस्टेंसी मतलब एक पर्टिकुलर वे के अंदर आपको डेटा मिलेगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि डेटाबेस क्या होता है, ठीक है, डेटाबेस का DBMS का फुल फॉर्म क्या हो गया, यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस हमें पढ़ना है, मैनेजमेंट सिस्टम वो ऑलरेडी वो सिस्टम के अंदर है, हमें सिर्फ उसको मैनेज कैसे करना है वो दिखना है, ठीक है। फिर व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और DBMS टुगेदर। डेटाबेस का मतलब क्या होता है कि डेटा को कलेक्ट करता है, रिलेटेड डेटा होगा उसको ही कलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और डेटा के अंदर क्या क्या आएगा, तो डेटा के अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स आएगी, वो कितनी साइज है, उसका क्या नाम है, कहाँ पे स्टोर होता है, कौन सी चीज़ से बना हुआ है, तो उस डेटा को प्रोसेस करते एक पर्टिकुलर वे में स्टोर करता है, ठीक है। फिर डेटाबेस को हम क्या क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को हम स्टोर करवा सकते हैं, डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब ला सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, तो वो डेटा को डेटाबेस के अंदर हम इंफॉर्मेशन आएगी और उस डेटा को हम क्या क्या कर सकते हैं वो भी आपको दिया होगा। फिर क्या होगा, वेब टू यूज़ DBMS, तो DBMS कहाँ कहाँ पर यूज, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारे डेटा स्टोर करने, एयरलाइंस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग्स के अंदर, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें लार्ज स्केल पे स्टोर करवानी होती है उसको हम DBMS के अंदर DBMS का यूज़ कर सकते हैं। फिर कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि मेरा डाटा डुप्लीकेट नहीं होगा, शेयरिंग कर सकते हो, सिक्योरिटी हो सकती है, प्राइवेसी हो सकता है, बैकअप भी ले सकते हो, और एक पर्टिकुलर वे में स्टोर करता है, मतलब डेटा कंसिस्टेंस, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था कि डेटाबेस क्या है, क्या कर सकता है, कहाँ यूज़ हो सकता है, ठीक है, उतनी चीज़ होगी। उसके बाद
हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसके लेवल्स क्या होते हैं, डेटाबेस एक्चुअली कहाँ पे होता है, हमारा सॉफ्टवेयर होता है और बैकअप में हमारा क्या होता है कि डेटा होता है, तो हमें सिर्फ सॉफ्टवेयर ही दिखाई देता है। जैसे कि आप रजिस्टर करते हो तो आपको एक पेज दिखाई देगा, तो उसके अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी नहीं, आपको क्या क्या डालना है उसका एक बॉक्स रहेगा, उसके अंदर जैसे इन्फॉर्मेशन डालोगे तो अपनी जगह पे जाके स्टोर हो जाएगा और आपको एक मैसेज देगा कि यू आर रजिस्टर सक्सेसफुल। तो यानी कि इतना आपको पता चल जाएगा कि वो डेटा वहाँ पे स्टोर हो गया, पर कहाँ पे स्टोर होगा वो आपको कभी दिखाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो यूज़र्स के लिए नहीं होता, सिर्फ बैकएंड में जो एडमिन रहता है जिसकी वो किस पूरी सिस्टम है उसको ही दिखाई देगा, ठीक है, किसी और को दिखाई देगा नहीं, मतलब वो सिक्योर होता है, जिसको परमिशन है वही वो देख सकता है डेटा। और आप जब लॉगिन होते हो या रजिस्टर करते हो तो आपको सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन ही दिखाई देती है, किसी और की दिखाई देती नहीं, मतलब वो सिक्योरिटी हो गई और बैकएंड में क्या हो गया पूरा डेटा स्टोर भी हो गया। तो ये यूज़ यहाँ पर हम कर सकते हैं, ठीक है, तो डेटाबेस का ये यूज़ है। और आगे आगे इसके कितने लेवल है, आर्किटेक्चर उसका क्या है, वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पर मैं लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए तो आप जैसे DBMS लिखेंगे तो उसके अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होगी तो आ जाएगा। वो वन टाइप ऑफ हमारा थियरी सब्जेक्ट भी है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी। प्रैक्टिकल इसमें क्या आएगा कि 20-30% प्रैक्टिकल आएगा और 20% 70-80% हमारा थियरी आएगा, ठीक है। तो पहला लेक्चर हमारा ऐसा था जिसके अंदर हमने बेनिफिट्स, वेयर टू यूज और व्हाट इज DBMS वो हमने पढ़ा, ठीक है। यहाँ पे लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू।